અત્યારે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે વૈષ્ણોદેવીથી. વૈષ્ણોદેવી મંદિરમાં દોડધામથી 12 લોકોના મોત થયા છે. ભાગદોડમાં 2 મહિલાઓ સહિત 12 લોકોના મોત થયા. આ દુર્ઘટનામાં 14થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને નારાયણા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. તેમજ એલજી મનોજ સિન્હાએ સહાયની જાહેરાત કરી છે. મૃતકના પરિવારોને 10 લાખની સહાય તેમજ ઘાયલના પરિવારોને 2 લાખની સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया. फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को. वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियाँ बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई. बच्चे बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए मेरी आंखों के सामने. जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंभे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम पे. पुलिस की बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल, दो ही वहाँ पे वो थे. और आज अब वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी. हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुँची है. उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं. ऐसे दिखा दिया और जाने दिया. सिर्फ 2-2 घंटे वेस्ट किए. बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था. आप लोगों बिल्कुल जो आप हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके पास पहुंच रहा है. उन लोगों को यहाँ पे स्टे कर देना चाहिए था कि जब हम वहाँ पे गए 2 लाख ऑलरेडी पीपल्स वहाँ पे हैं, तो उनको पीछे से बैक कर देना चाहिए कि भाई नहीं आना है. उसके बाद भी कंटिन्यू वो बैक वहीं पे है. फिर मंदिर में ये है कि वैसे तो हम फुल वॉच पे हो, उसके बाद बंदे पे अगर फोन आ गया पॉकेट के अंदर, कहाँ रखे जब लॉकर ही नहीं आप लोगों के पास, उसके बाद उसको लाइन से निकाल दो. उसकी फैमिली बिछड़ रही है, बिछड़ने को हमने 11 बजे दर्शन किए. मेरे हस्बैंड का 130 पे नंबर आया, इतने हम वहाँ पे बैठे हुए हैं. उसके 2 o'clock के करीब वो हादसा हो गया. उसमें हमारी मासी सास मिसिंग है. अभी मासी सास मिसिंग है, हमें यही नहीं पता कि वो ठीक है, कहाँ है, उन्हें ढूंढते हुए हम आए, कुछ भी नहीं पता हमें इसके बारे में. सारा कुछ यहाँ की पुलिस बिल्कुल यहाँ की.